तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर बायो मॉलिक्यूल। इस चैप्टर से इस बार नीट 2023 में तो दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2022 में कुल चार क्वेश्चन आए थे। तो सिस्टम यह है कि वास्तव में इस चैप्टर का वेटेज तो दो ही क्वेश्चन का है, लेकिन कभी कभार दो से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो। तो दो क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा होता है। जैसे यहाँ भी देखिए, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, और इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं, केवल तीन चार बातें आपको समझनी है। इसमें सबसे पहला सवाल तो यही समझना है कि आखिर बायो मॉलिक्यूल है क्या, एक तो ये पढ़ना है। तो बायो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन देखो एनसीईआरटी में यहाँ लिखी है। बायो मॉलिक्यूल हेडिंग वहां है और डिफिनीशन यहां पड़ी हुई है। क्या लिखा है डिफिनीशन में? लिखा हुआ है ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल की यहां डिफिनीशन दी हुई है क्या? किसी लिविंग टिश्यू से जितने कार्बन कंपाउंड हम ऑब्टेन कर सकते हैं उन्हीं को हम कहेंगे क्या? बायो मॉलिक्यूल। बायो शब्द का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल शब्द का मतलब होता है कोई ना कोई कंपाउंड। तो किसी पर्टिकुलर लिविंग से जो भी केमिकल कंपाउंड हमको मिल सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल। या एनसीईआरटी की जो डिफिनीशन है कि सभी कार्बन कंपाउंड जो हमको किसी लिविंग टिश्यू से मिलेंगे उसको भी बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर बायो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन की बात करें, अगर बायो मॉलिक्यूल के डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या लिखोगे? तो बायो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन में लिखोगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू। कुछ भी लिखना नहीं, केवल सुनना है बस। तो ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू, इसको हम कहेंगे क्या? बायो मॉलिक्यूल। ये तो बायो मॉलिक्यूल की डिफिनेशन हो गई, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। फिर सवाल ये है कि वो जो कार्बन कंपाउंड है या जो केमिकल हैं जो लिविंग टिश्यू में पाए जाएंगे वो क्या सिर्फ लिविंग में ही मिलते हैं? ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हमको अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड हमको लिविंग में मिलते हैं ये सत्य है, लेकिन वो हमको अर्थ क्रस्ट का मतलब नॉन लिविंग में भी मिलते हैं ये भी सत्य है। ठीक है, तो जब हम एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं दोनों चीजों की, चाहे हम लिविंग की करें और चाहे नॉन लिविंग की करें, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, यहां भी एलिमेंट पाए जाएंगे और यहां भी एलिमेंट पाए जाएंगे। संयोग से आपको आश्चर्य होगा कि दोनों एलिमेंट ये सेम होते हैं। सेम का मतलब सेम नेम होता है। जैसे दोनों जगह कार्बन मिलेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन मिलेगा, दोनों जगह ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, दोनों जगह हमको सल्फर मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों जगह मिलेंगे। वो अलग बात है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन लिविंग में मिलेंगे और लिविंग में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मोटा मोटा हम देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग में भी मिलते हैं और नॉन लिविंग में भी मिलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है। अब सवाल है एनसीईआरटी हमको देखनी पड़ेगी। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये एक टेबल दी हुई है, अगर आप इस टेबल पे नजर डालोगे, बिठा लो बेटा बिठा लो, लाओ बैग, कहाँ मिलते हैं इतने सारे? हो गए सेट,
चलो सीट बेल्ट बांध लो। अगर हम नॉन लिविंग का मतलब अर्थ क्रस्ट और लिविंग का मतलब ह्यूमन बॉडी के कंपेयर करें तो देखो ये लिखा है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। लगभग लगभग सब चीज़ें हैं दोनों में, ठीक है, बस केवल सिलिकॉन है जो लिविंग में क्या है, नेग्लिजिबल है। जैसे कार्बन दोनों जगह, हाइड्रोजन दोनों जगह, ऑक्सीजन दोनों जगह, नाइट्रोजन हो सकता है कि यहाँ बहुत क्या है, लिटिल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सल्फर दोनों जगह, सोडियम दोनों जगह, सल्फर दोनों जगह, सोडियम दोनों जगह, कैल्शियम दोनों, कितना हंस काहे रहे हो, इस पे बिठाओ, उस पे नहीं बैठना है। अच्छा अपना ध्वनि यंत्र हम बदलेंगे तो हो सकता है तेज हो जाए, बोलोगे नहीं तो सुनाई पड़ेगा, सिर्फ चुप रहो बस। तो दोनों जगह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन के व्यू से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है, कम, और यहाँ क्या है, ज़्यादा। कार्बन यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा। ऑक्सीजन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा। सल्फर यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा। सोडियम यहाँ ज़्यादा है, कैल्शियम यहाँ ज़्यादा है, मैग्नीशियम यहाँ ज़्यादा है, और सिलिकॉन यहाँ ज़्यादा है। तो जब हम एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं तो हमको दिखता है कि कुछ चीज़ें लिविंग में ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग में ज़्यादा हैं। तो कौन कौन सी चीज़ लिविंग में ज़्यादा है और कौन कौन सी चीज़ नॉन लिविंग में ज़्यादा है, ये हमको याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ लिविंग में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से लेकर के सल्फर तक किस में ज़्यादा है, लेकिन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन किस में ज़्यादा है, दो क्वेश्चन और बताना है। अगर इतने पर नज़र डालें तो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, दोनों में। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ 46.6% है, यहाँ 65.0% है। तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों में मिनिमम क्या है, तो देखो ह्यूमन बॉडी में मतलब लिविंग में मिनिमम क्या है, सिलिकॉन, और अर्थ क्रस्ट में मिनिमम क्या है, नाइट्रोजन। तो कुल पांच क्वेश्चन है यहां पर। पहला सवाल, बायो मॉलिक्यूल क्या है, तो कहोगे ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा, जब हम अर्थ क्रस्ट मतलब नॉन लिविंग और ह्यूमन बॉडी का मतलब लिविंग के एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन जब हम कंपरेटिव स्टडी करते हैं तो पता चलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर लिविंग में ज्यादा है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन नॉन लिविंग में ज्यादा है। और ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जबकि जब हम मिनिमम या सबसे कम एबंडेंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन लीस्ट एबंडेंट है नॉन लिविंग में और सिलिकॉन लीस्ट एबंडेंट है किसमें, लिविंग में। तो केवल दो तीन बातें लिखनी है हमको। अगर क्वेश्चन पूछे लिविंग या ह्यूमन बॉडी में क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा, तो मोर पाए जाएंगे कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो लेस बेटा क्या पाए जाएंगे, लेस पाए जाएंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। इसी तरीके से अगर हम नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो मोर क्या पाया जाएगा, कंपी इन दोनों में, ये कम होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा,
अगर कंपेयर की बात करेंगे इनकी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर की बात करेंगे, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ज़्यादा किसमें मिलेंगे? किसमें मिलेंगे? लिविंग में। और कम किसमें मिलेंगे? नॉन लिविंग में। तो इस ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर की हम केवल बात करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, इसको हटा देते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर किसमें ज्यादा है, तो मोर इन लिविंग और लेस इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कहो चाहे, अर्थ क्रस्ट कहो, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये किसमें ज्यादा है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? ये मोर है अर्थ क्रस्ट में और लेस है लिविंग में। तो इन इतने सारे को हमको याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर ज्यादा पाए जाएंगे किसमें? लिविंग में। कम पाए जाएंगे किसमें? कंपेयर की बात कर रहे हैं उन्हीं सबके। और अगर हम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये ज्यादा पाए जाएंगे अर्थक्रस्ट में, और कंपेयर में उसकी तुलना में कम पाए जाएंगे किसमें? लिविंग में। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं। लिविंग में मोस्ट एबंडेंट क्या है? तो लिविंग में मोस्ट एबंडेंट है ऑक्सीजन, और लीस्ट एबंडेंट, सबसे कम क्या है? तो आंसर देंगे सिलिकन। इसी तरीके से अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट कित क्या है? ऑक्सीजन। और लीस्ट क्या है बेटा? नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में लिखा है कि रिलेटिव एबंडेंस है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का किसमें? लिविंग में, एज कंपेयर टू द नॉन लिविंग। जरा हमको एक चीज बता दीजिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज लिविंग में कितना है? 65% है, और नॉन लिविंग में कितना है? 46.6%, 46.6%। ठीक है, तो परसेंटेज हमको याद होना चाहिए। अभी तक रिकॉर्ड है इस पैराग्राफ से कभी भी कोई सवाल नहीं आया है, कभी कुछ नहीं पूछा गया। तो अधिकतम जो पूछ सकता है वही कुल 6 सवाल हैं। पहला सवाल, बायो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन क्या है? ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं तो जो लिविंग में मिलते हैं वही एलिमेंट लगभग लगभग नॉन लिविंग में मिल जाते हैं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कौन कौन से एलिमेंट हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन? इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर किसमें ज़्यादा है? लिविंग में। और किसमें कम है? नॉन लिविंग में। जबकि सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम किसमें ज़्यादा है? नॉन लिविंग में या अर्थ क्रस्ट में, और किसमें कम है? लिविंग में। सबकी तुलना करें तो मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन है लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए, और अगर सबकी तुलना करें तो लीस्ट एबंडेंट नाइट्रोजन है नॉन लिविंग के लिए और सिलिकॉन है लिविंग के लिए। चलो खोलो एनसीईआरटी। और सुनिए, यहां तक पढ़ डालिए, यहां तक पढ़िए, नहीं रुक जाइए, रुक जाइए, यहां तक ना पढ़िए,
केवल यहां तक पढ़िए, ठीक है, यहां तक। करते क्या हैं कि सबसे पहले ले लेते हैं लिविंग टिश्यू, अब लिविंग टिश्यू के नाम पर दो चीजें ले सकते हैं, या तो लिवर ले लीजिए और या तो कोई लीफ ले लीजिए, ठीक है, तो लिवर ले लीजिए चाहे लीफ ले लीजिए और इसको पीस दीजिए, किसमें पीसते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में इसको पीस देते हैं और पीसने के बाद हमको जो मिलेगा उसको स्लरी कहते हैं। स्लरी का शाब्दिक मतलब होता है लुगदी, स्ट्रक्चर एक मिलेगा और फिर इसको कपड़े से छान देते हैं, इसको चीज क्लॉथ से या एक कोई कार्टन का कपड़ा ले लीजिए। होता क्या है कि जब चीज पनीर बनाना होता है तो करते क्या है कि पहले मिल्क को फाड़ देते हैं और फिर एक कपड़े से ही छानते हैं,
जिस कपड़े से छानते हैं वो काटन का ही कपड़ा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चीज क्लाथ कहते हैं। तो जब आप किसी चीज को छानते हैं तो देखो क्या होता है, मान लेते हैं किसी चीज को आप छान रहे हैं और ये आपकी छन्नी है, तो जब आप छानेंगे तो कुछ चीजें नीचे चली आएंगी और कुछ चीजें यहां रह जाएंगी। जो चीजें नीचे चली आएंगी उनको कुछ और कहोगे, जो चीजें ऊपर रह जाएंगी उनको कुछ और कहोगे। जैसे जो नीचे चली आती हैं इनको कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाती है उनको कहते हैं रिटेंटेट। इनका एक और नाम दे दिया गया। हुआ क्या है, आपने एक एसिड में इनको पीसा था, तो जो चीजें एसिड में सॉल्युबल होंगी वो नीचे चली आएंगी और जो चीजें एसिड में इनसॉल्युबल होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। तो जो फिल्ट्रेट होता है इसको कहते हैं एसिड सॉल्युबल, और जो रिटेंटेट होता है इसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल। तो दो प्रकार की चीजें हो गई, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। तो जब हम फिल्टर करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी, एक हमको मिलेगा एसिड सॉल्युबल पूल जो नीचे हमको मिलेगा, और एक हमको मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, और वो क्या होगा, रिटेंटेट होगा। दोनों की जब एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें इसमें हजारों थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, इसमें हजारों क्या मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जैसे आप कहोगे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, वैसे कोई पूछेगा कि क्या इसमें कोई इनऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे नहीं, कुछ इनऑर्गेनिक भी मिलेंगे। तो साथ में हमको क्या मिल जाएंगे, सम इनऑर्गेनिक। एनसीईआरटी में लिखा है कौन से मिलेंगे, तो सल्फेट मिलेंगे और फास्फेट मिलेंगे। एनसीईआरटी में अभी ये लाइन आपको मिलेगी कि एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलते हैं, तो सल्फेट और फास्फेट एज ए इनऑर्गेनिक। तो इसका उल्टा इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, अगर ज़्यादातर ऑर्गेनिक हमको यहाँ मिल गए हैं, इसका मतलब ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ क्या मिलेंगे, मोस्टली इनऑर्गेनिक। लेकिन फिर वही सवाल है, यहाँ ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मिलेंगे लेकिन 100% इनऑर्गेनिक नहीं मिलेंगे, यहाँ भी हमको क्या मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक मिल जाएंगे। तो साथ में क्या मिल जाएंगे, सम ऑर्गेनिक। इसमें से ये पोर्शन हमारे काम का ज़्यादा है, तो वैज्ञानिक करते क्या हैं, इस पोर्शन को ले लेते हैं एसिड सॉल्युबल को, और इसकी ढंग से एनालिसिस करते हैं और एक एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें पाया जाता है। इनऑर्गेनिक को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इन ऑर्गेनिक को ढूंढने के लिए नया तरीका निकाला गया। देखो क्या तरीका निकाला गया, किसी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू को ले लेते हैं और लिविंग टिश्यू का वजन कर लेते हैं, और वजन करने के बाद इसको कहेंगे वेट वेट, गीला वजन, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी होगा। फिर इस लिविंग टिश्यू को सुखा लेंगे, तो जब लिविंग टिश्यू को सुखाएंगे तो क्या उड़ जाएगा, जो पानी होगा वो लगभग लगभग उड़ जाएगा। उसके बाद फिर से इसका वेट करेंगे, तो जब फिर से वेट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे ड्राई वेट। अब जो ये ड्राई है, ध्यान से सुनिएगा, ड्राई लिविंग टिश्यू है, इस ड्राई लिविंग टिश्यू को जला देंगे, इसको क्या कर देंगे, जला देंगे, बर्न करेंगे। तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो क्या जलता है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो ऑर्गेनिक जल के उड़ जाता है और जो राख मिलती है उसमें ज्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जब जलाएंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे और क्या बनेंगे, तो या तो CO2 बन जाएंगे और या तो वाटर, और इवापरेट कर जाएंगे। लेकिन जब जलाएंगे तो हमको राख भी मिलेगी, हमको राख, इस राख की जब एनालिसिस करोगे तो ज्यादातर हमको क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक मिलेंगे। तो अगर हमको इनऑर्गेनिक पता करना है कि लिविंग में इनऑर्गेनिक कौन से हैं तो ये तरीका अपना लीजिए, और अगर हमको ऑर्गेनिक पता करना है तो ये तरीका अपना लीजिए। सबसे पहले लिविंग टिश्यू को लीजिए, चाहे लीवर ले लीजिए चाहे लीफ ले लीजिए, उसके बाद इसको पीस दीजिए ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में, Cl3CCOH में, उसके बाद हमको लुगदी मिलेगी, उसको छान लीजिए किससे, चीज क्लास से या कार्टन से, फिर हमको दो ग्रुप मिलेंगे, जो ऊपर मिलेगा उसको कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल और जो नीचे मिलेगा उसको एसिड सॉल्युबल कहेंगे। इसमें हमको हजारों क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, हाँ अलग बात है कि इसमें कुछ हमको क्या मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक, और उसका मतलब उसमें ज़्यादातर क्या मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक मिलेंगे, लेकिन वहाँ भी हमको क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल है कि अगर हमको इनऑर्गेनिक पता करना है तो सबसे बढ़िया है कि लिविंग टिश्यू लीजिए, उसका वजन कर लीजिए, तो वजन करेंगे तो पानी ज़्यादा होगा तो वजन भी ज़्यादा होगा, फिर सूखा लीजिए, फिर वजन कर लीजिए तो कुछ ना कुछ वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर आग लगा दीजिए और बर जाए, जब जल जाएगा तो फिर क्या होगा, तो जब जल जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे वो जल के उड़ जाएंगे, या तो CO2 बन के या तो वाटर बन के, लेकिन जो राख मिलेगी हमको उसमें ज़्यादातर हमको क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक मिलेंगे। तो घुमा फिरा करके फिर ये समझ में आई है कि लिविंग टिश्यू के अंदर जो केमिकल मिलते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, किसी लिविंग में जो केमिकल मिलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक और एक होते हैं क्या, ऑर्गेनिक। तो हमको ऑर्गेनिक कंपोनेंट को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को नहीं पढ़ना है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमको मिलेंगे साल्ट, वो चाहे सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, दुनिया भर के साल्ट ही तो मिलेंगे, हमको ऑर्गेनिक कंपोनेंट पढ़ना है। और इसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमको चार चीजें पढ़नी है, एक हमको पढ़ना है अमीनो एसिड, चाहे अमीनो एसिड पढ़ लीजिए और चाहे प्रोटीन पढ़ लीजिए, तो पहले अमीनो एसिड पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ लेंगे, प्रोटीन पढ़ लेंगे। इसी में हमको पढ़ना है फैटी एसिड, या इसी में हमको पढ़ना है क्या, लिपिड। इसी में हमको पढ़ना है नाइट्रोजिनस, बेस, और नाइट्रोजिनस बेस पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ लेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेंगे, और इसी में हमको पढ़ना है मोनो ये क्या हो गया सारी मेहनत बेकार गई है
देखिए एनसीईआरटी में यहां से शुरू करिए और यहां तक पढ़ डालिए। हेडिंग डालें अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। हम लोगों को चार चीज़ें पढ़नी है, पहले अमीनो एसिड पढ़ना है, फिर फैटी एसिड या लिपिड पढ़ना है, फिर नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है, फिर कुछ बातें मोनोसेक्राइड की पढ़नी है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें पढ़नी है। पहली हेडिंग कौन सी? अमीनो एसिड। देखें क्या है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड वास्तव में यूनिट हैं किसकी? प्रोटीन की। कैसे? ढेर सारे अमीनो एसिड मिल के बना लेते हैं क्या? प्रोटीन बना लेते हैं। और जब प्रोटीन बनाते हैं तो जो बांड बनता है उसको क्या कहते हो? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अमीनो एसिड फिर क्या हो गया? मोनोमर हो गया। और प्रोटीन क्या हो गई? पॉलीमर हो गई। इसमें कोई शक नहीं। तो ये मोनोमर हो गया, वो पॉलीमर हो गया, लेकिन हकीकत में अमीनो एसिड है कौन सी चीज? अगर हम प्रोटीन के रेस्पेक्ट में देखें कि अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अमीनो एसिड वो है जो मिल करके प्रोटीन बनाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अमीनो एसिड वो है जब पेप्टाइड बांड से बंध जाता है तो प्रोटीन बन जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तव में अमीनो एसिड क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो अमीनो एसिड कौन सी चीज है।
अगर किसी अमीनो एसिड को ध्यान से देखोगे तो होता यह है कि अगर हम मीथेन को देखें तो कार्बन की चार वैलेंसी होंगी और चारों वैलेंसी पर क्या लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। और इसको कहेंगे क्या? इसको मीथेन कहेंगे। वाह भाई वाह। इसको मीथेन कहेंगे। लेकिन देखिएगा, इसकी चारों वैलेंसी बदल दी जाएं या तीन वैलेंसी या चारों वैलेंसी बदली जाएं, तो देखो कैसे बदली जाती हैं। अभी भी कार्बन वही है, कार्बन वही रखिए, ये है कार्बन, और इसकी एक वैलेंसी पर लगा दीजिए COOH, इसकी दूसरी वैलेंसी पर लगा दीजिए NH2, तीसरी वैलेंसी पर अभी हाइड्रोजन ही रखिए, और चौथी वैलेंसी पर लगा दीजिए R, जो कि एक वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं। इसकी जगह आप HB लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, CH2OH भी लगा सकते हैं, या कोई भी चेन लगा सकते हैं। इसका मतलब ये वेरिएबल है। ऐसा कोई भी कार्बन जिससे मेन ग्रुप जुड़ा हो उसको कहते हैं क्या? अल्फा कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। इसी नाते इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या नाम है? अल्फा अमीनो एसिड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमीनो एसिड क्या है, तो कहोगे मीथेन से ही क्या बना है? अमीनो एसिड बना है। किस प्रोसेस के द्वारा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस हाइड्रोजन की जगह आपने COOH लगा दिया, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया NH2 ग्रुप से, इस हाइड्रोजन को किससे? वेरिएबल ग्रुप से। तो अगर आपसे पूछा जाए अमीनो एसिड क्या है, तो आप कहोगे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसकी चारों वैलेंसी कैसे फिल की गई वो सामने दिख रहा है। एक जगह CH, एक जगह COOH लगा दिया, एक जगह H लगा दिया, एक जगह NH2 लगा दिया, और एक जगह R लगा दिया। ये जो R है ये वेरिएबल ग्रुप है, इसकी जगह क्या क्या लग सकता है अभी आगे देखेंगे। ठीक, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल ये है कि किसी अमीनो एसिड में एक वैलेंसी ये NH2 हो गई, ये COOH हो गई, ये H हो गया, और यहां क्या लगा होगा? R। अब ध्यान से सुनिएगा, R के आधार पर R आप बदलते रहिए, अमीनो एसिड बदलता रहेगा। देखो कैसे बदलेंगे। ये अभी कार्बन की वैलेंसी है, यहां अभी भी H है, यहां अभी भी NH2 है, यहां अभी भी COOH है, और यहां देखिए लगा दिया गया H। अगर R की जगह क्या लगाया जाए? H। ऐसे देखो, अभी भी ये NH2 है, ये कार्बन है, COOH है, H है, और यहाँ लगा दिया गया CH3। तो R की जगह क्या लगाए हो? CH3। फिर देखो, अभी भी ये कार्बन है, इधर की तरफ NH2 है, इधर की तरफ COOH है, इधर की तरफ H है, और इधर की तरफ लगा दिया गया CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथेन लगा दिया गया। तो देखिए R की जगह आप क्या क्या लगा रहे हो? R की जगह H लगा रहे हो, R की जगह क्या लगा रहे हो? CH3, और R की जगह CH2OH लगा रहे हो, और अमीनो एसिड के नाम बदल रहे हैं। देखो कैसे बदल रहे हैं। इसका नाम ग्लाइसिन है, इसका नाम एलानाइन है, और इसका नाम सेरीन है।
तो किसी अमीनो एसिड का नाम, ध्यान से सुनिएगा, किसी अमीनो एसिड का नाम इस आधार पर होता है कि आर की जगह आपने क्या लगाया है। आर की जगह एच लगाया तो ग्लाइसिन, आर की जगह CH3 लगाया तो एलानिन, आर की जगह CH2OH लगा दिया तो सेरीन हो गया। ये तीन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में दिए हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ क्या, आर ग्रुप ये कैसा हो सकता है, ग्लाइसिन ये कैसा हो सकता है, एलानाइन और ये कैसा हो सकता है सेरीन, जब आर की जगह क्या लगाओ, एच लगाओ तो ग्लाइसिन और आर की जगह तो एलानाइन और आर की जगह CH2OH लगाओ तो क्या कहोगे, सेरीन। वापस चलते हैं जरा, अभी बताया कि अमीनो एसिड क्या है। तो अमीनो एसिड वास्तव में सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है और उसी से बनता है प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में लगते हैं, तो याद रखेंगे ओनली ओनली 20 टाइप अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में लगते हैं वो कितने हैं, 20 हैं। और ऐसे अमीनो एसिड को कहा जाता है प्रोटीनेसियस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड कितने हैं, तो प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड की संख्या 20 है। और उन 20 में से ये तीन सामने लिखे हैं, कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलानाइन और सेरीन। तो 20 में से 20 नाम भले ही आप ना याद रखो, लेकिन कम से कम तीन तो याद ही रखो जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। उन 20 में से तीन अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनने में लगते हैं, उनका नाम ग्लाइसिन है, उनका नाम एलानाइन है और उसका नाम सेरीन है। ठीक है, फिर देखो जरा, किसी अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल, किसी अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगी, तो देखो NH2 ग्रुप पर डिपेंड करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। COOH ग्रुप पर डिपेंड करेगी, कोई शक नहीं है। और R ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी, NH2 ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी, COOH ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी, वेरिएबल ग्रुप पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगी वो देखिएगा। मान लेते हैं एनसीईआरटी में लिखा है, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप ज्यादा है और COOH ग्रुप कम है, अगर ये कंडीशन बनी है कैसे होगा जरा देखो। तो होगा ऐसे, मान लेते हैं कि वेरिएबल चेन जो ये लगी है, इस चेन में कहीं कोई एक COOH और मिल जाए, या हो सकता है इस चेन में हमको एक NH2 एक्स्ट्रा मिल जाए। तो वेरिएबल ग्रुप में अगर हमको एक्स्ट्रा NH2 मिल जाएगा या वेरिएबल ग्रुप में हमको एक्स्ट्रा COOH मिल जाएगा, तो हमारे पास हाल ये होगा कि किसी अमीनो एसिड ग्रुप में अमीनो ग्रुप या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो COOH ग्रुप ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भी अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप का नंबर और COOH ग्रुप का नंबर कितना है, इस आधार पर अमीनो एसिड तीन प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किसका, NH2 और किसका, COOH, अमीनो एसिड
तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एक का नाम होता है एसिडिक अमीनो एसिड, एक का नाम होता है बेसिक अमीनो एसिड, और एक का नाम होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनके नाम होते हैं किस आधार पर? इस आधार पर कि NH2 ग्रुप कितना है और COOH ग्रुप कितना है। इधर देखो, मान लेते ये कार्बन है, इधर की तरफ लगा है COOH, इधर की तरफ लगा है क्या NH2, इधर की तरफ लगा है H और इधर की तरफ लगा है R। अभी जरा देखिएगा, जितना NH2 ग्रुप है उतना ही क्या है COOH ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होते हैं, जिसमें जिसमें NH2 ग्रुप किसके बराबर हो, किसके बराबर हो COOH ग्रुप। और अगर चाहते हैं अमीनो एसिड एसिडिक हो जाए तो क्या बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए कि ये COOH बढ़ा दीजिए। तो ये जो वेरिएबल चेन है, ये जो वेरिएबल चेन है, या तो इसमें बढ़ा दीजिए, या तो जहां ये H लगा हुआ है, यहां ये H लगा हुआ है, यहां बढ़ा दीजिए। तो अगर COOH ग्रुप की संख्या बढ़ जाएगी तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे ना, तो अमीनो एसिड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है बेटा, तो कहोगे COOH ज्यादा होता है किससे, NH2 से। और अगर हम ऐसा कर दें, अच्छा ये तो उल्टा लिख गया है, चलो सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सही हो गया। इस केस में NH2 ग्रुप COOH के क्या हो गया, बराबर। अभी देखो, अगर ये ग्रुप हम ज्यादा कर दें तो अगर ये ग्रुप ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर कैसा हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। तो इस केस में क्या होगा, NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे किससे, COOH। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH, अमीनो एसिड तीन प्रकार के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक वो होंगे जिसमें COOH ज्यादा होगा, बेसिक वो होंगे जिसमें NH2 ज्यादा होगा, और न्यूट्रल वो होंगे जिसमें NH2 और COOH बराबर होगा। बस फिर एग्जाम्पल हमको याद रखना है, बस केवल देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है ग्लाइसिन और इसका एग्जाम्पल दिया है लाइसिन और इसका एग्जाम्पल दिया है वैलिन। तो किसके किसके एग्जाम्पल याद रहेंगे, तीन, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल और बेसिक के और न्यूट्रल के वैलिन, तो और याद रखिएगा। मान लेते हैं जो ये वेरिएबल ग्रुप है R, इसकी जगह कोई एरोमेटिक चेन लगा दी जाए, तो अगर वेरिएबल ग्रुप की जगह कोई एरोमेटिक चेन लगा दी जाए, देखो ऐसे ये कार्बन है, यहां है COOH, यहां है NH2 और यहां है H, और यहां ये लगा दिया जाए, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो ये एरोमेटिक चेन लग गई है ना। जैसे ही एरोमेटिक चेन लगेगी वैसे ही अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में तीन एग्जाम्पल दिए हैं, कौन सा, टायरोसिन, कौन कौन से दिया है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफान है और फिनाइल एलानाइन है, तीन है, एक का नाम टायरोसिन, एक का नाम ट्रिप्टोफान और एक का नाम फिनाइल एलानाइन। तो देखिए कुल कितने नाम आपको याद रखने हैं,
एक नाम याद रखना है, ग्लाइसीन। अच्छा, हाँ, बेटा इसमें इसमें करेक्शन हो गया है। हाँ, ये जरा सही कर लेते हैं। हाँ, ये मेरे दिमाग से उतर गया था, कोई बात नहीं। इसका एग्जाम्पल बेटा कौन सा है? हाँ, ग्लूटामिक एसिड। तो हमको जरा कितने नाम याद रखने, जरा बताओ। तो एक हमको नाम याद रखना है ग्लाइसिन, किस केस में? आर की जगह एच। एक नाम याद रखना है एलानाइन, किस केस में? आर की जगह CH3। एक नाम याद रखना है सेरीन, किस केस में? आर की जगह CH2OH। एक नाम याद रखना है ग्लूटामिक एसिड, किस केस में? एसिडिक। एक नाम याद रखना है लाइसिन, किस केस में? बेसिक। एक नाम याद रखना है वैलिन, किस केस में? न्यूट्रल। एक नाम याद रखना है टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानाइन, किस केस में? तो एरोमेटिक अमीनो एसिड। इतने तो आप नाम याद रखोगे। दो क्वेश्चन और देखें। ये बहुत अच्छी बात लिखी है एनसीईआरटी में, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता है इन डिफरेंट सॉल्यूशन या डिफरेंट पीएच। ये बहुत बढ़िया बात लिखी है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है, तभी तो चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है वो आपको देखना है, कैसे? तो इसका कारण दिया है एनसीईआरटी में, बिकाज बिकाज NH2 एंड COOH ग्रुप आयोनाइजेबल होते हैं। ये याद रखना है, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप आयोनाइजेबल होता है, इसी नाते इसका स्ट्रक्चर बदलता है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल कैसे लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड की अभी चार वैलेंसी हैं। अभी देखिएगा, मान लेते हैं कि इसको ऐसे सल्यूशन में डाल दिया जाए जिसका पीएच लो हो, जिसका पीएच लो हो, ऐसे सल्यूशन में डाल दें। तो अगर लो पीएच वाले सल्यूशन में डालोगे तो सल्यूशन अमीनो एसिड को देगा क्या? एच देगा कि OH? फिर से सुने, आराम से, आराम से सुने, आराम से बताएं। इस अमीनो एसिड को उठाया और एक सल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच लो है, तो जिस सल्यूशन में आप डाले हो वो सल्यूशन अमीनो एसिड को क्या देगा? एच देगा कि OH देगा? एसिड हमेशा लो पीएच, मतलब एसिडिक सल्यूशन है ना, तो हमेशा एच देता है, तो वो एच देने का प्रयास करेगा। अब जब कोई सल्यूशन एच देगा तो यहां कौन एच ले लेगा? दुनिया में किसी एसिड में पावर नहीं है जो COOH को एच दे दे, है? उसको तो देने से रहे, तो यही है जो ले सकता, कौन? NH2। तो देखो क्या होगा, ये कार्बन अभी भी वही रहेगा, ये COOH वही रहेगा, ये R वही रहेगा, ये H वही रहेगा, लेकिन जो NH2 ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। तो देखो अभी आयनिक स्टेट में कौन आ गया? NH2 ग्रुप आया। फिर देखो, इसी अमीनो एसिड को डाल दें उस सॉल्यूशन में जिसमें हाई पीएच हो। अब हाई पीएच में डालेंगे तो, अब हाई पीएच में डालेंगे तो वो एच लेगा कि देगा? वो एच लेने का प्रयास करेगा ना, और जब वो एच लेने का प्रयास करेगा तो कौन दे सकता है? NH2 देगा। ये देने के लिए बिल्कुल तैयार है,
एसिडिक ग्रुप हमेशा एच देता है, बेसिक ग्रुप हमेशा एच लेता है, ये तुरंत एच देगा, तो देखो देगा तो क्या होगा, एनएच टू ग्रुप अभी वैसे ही रहेगा, कार्बन वैसे रहेगा, एच वैसे रहेगा, आर वैसे रहेगा, बस बस सी ओ ओ एच का हाल बदलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो जरा देखो, ये अमीनो एसिड था, इस अमीनो एसिड का एनएच टू ग्रुप आयनिक स्टेट में चला गया है, कब, जब लो पीएच में डाले हैं, और अगर हाई पीएच में डालेंगे तो सी ओ एच ग्रुप किस में चला गया, आयनिक स्टेट में डालेंगे। फिर देखो, मान लेते हैं कि अभी लो पीएच में है, ध्यान से देखिएगा, अभी लो पीएच में है और पीएच थोड़ा सा बढ़ाओ, इधर ले जाओ, मान लेते हैं कि अभी पीएच है 5 पीएच पे ये कंडीशन बनी हुई है, और पीएच बढ़ा करके 7 कर दीजिए, तो जैसे 7 करोगे वैसे ये हो जाएगा, ठीक है, और 7 से बढ़ा के फिर 8 कर दो तो इधर की तरफ जाने लगेगा। मान लेते हैं कि अभी पीएच 8 है तो किस स्टेट में होगा, इस स्टेट में होगा, और 8 से घड़ा करके 7 कर दो तो जैसे 7 करोगे वैसे किस स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा। तो देखिए, अगर 8 से घटा के 7 लाओगे तो ये होगा, 5 से बढ़ा के 7 ले जाओगे तो ये होगा। तो अगर हम ये एरो मिटा दें, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हम इस स्टेट में हैं और हमको इस स्टेट में जाना है, तो बताओ पीएच बढ़ाएं कि घटाएं, आराम से बताएंगे, उस स्टेट में हैं और इस स्टेट में आना है तो पीएच बढ़ाते जाइए, ये 5 पे होगा, ये 8 पे होगा, तो इधर से इधर की तरफ पीएच क्या करेगा, बढ़ता जाएगा ना। और अगर हम इस स्टेट में हैं और हमको इस स्टेट में जाना है तो पीएच क्या करते जाइए, घटाते जाइए। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अमीनो एसिड की स्टेट हमको ये मिलेगी, कब, जब हम लो पीएच करेंगे, एट लो पीएच, और ये स्टेट कब मिलेगी, एट हाई पीएच, लेकिन बीच में न्यूट्रल पीएच भी तो होगा, और न्यूट्रल पे हाल जरा देखो क्या होता है, न्यूट्रल पीएच पे हाल ये होता है, तो होता ये है कि अगर हमको यहां से यहां जाना है तो पहले क्या बनाओगे, ये बनाओगे, और फिर क्या बना लोगे, ये बना लोगे, और हमको वहां से यहां आना है तो पहले क्या बनाओगे, ये बनाओगे, और फिर क्या बना लोगे, ये बना लोगे। इस स्टेट को जिसमें दोनों आयनिक स्टेट में हैं, इसको क्या कहते हैं, ज्यूटर आयोनिक स्टेट। तो घुमा फिरा करके काम की बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या, किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप आयोनाइजेबल होते हैं। कौन ग्रुप आयोनाइज करेगा ये डिपेंड करेगा डाले कहाँ हैं। अगर हम लो पीएच में डाले हैं तो NH2 ग्रुप आयोनाइज करके बना लेगा NH3+, और अगर हम हाई पीएच वाले सॉल्यूशन में डाले हैं तो COOH ग्रुप आयोनाइज करके COO- बना लेगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पीएच पर हैं, अगर हम न्यूट्रल पीएच पर हैं तो दोनों आयनिक स्टेट में मिलेंगे। कैसे मिलते हैं, अभी हम इस स्टेट में हैं और हमको वहां जाना है तो क्या करिए, पीएच बढ़ाइए घटाइए, तो ये पीएच बढ़ाते चले जाइए, तो पहले ये बनेगा फिर ये बन जाएगा। और अगर हम उस स्टेट में हैं तो क्या करिए, पीएच घटाने लगी, 8 से 7 करिए और 7 से
5 कर दीजिए तो इधर चले आएंगे। तो एनसीईआरटी वाला अगर देखेंगे अगर एनसीईआरटी वाले में देखेंगे तो देखो ये कौन सी स्टेट बनी है बेटा, ज्यूटर आयन वाली स्टेट बनी है। और एरो देखो तो इधर से इधर एरो अगर करोगे तो बताओ पीएच बढ़ाओगे घटाओगे हैं, और अगर इधर से इधर कर दो तो एनसीईआरटी वाले में जो डायग्राम बना है इसके ऊपर 2 एरो खींचो, इसके ऊपर क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग पीएच, और इसके ऊपर क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग पीएच। एरो सही बनाएंगे बेटा, अमीनो एसिड वाली हेडिंग पूरी पढ़ डालिए फिर हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया है बेटा, कहो तो फिर से बता देते हैं। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन पर अलग अलग होता, क्यों, क्योंकि NH2 और COH ग्रुप आयोनाइजेबल हो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब कैसे आयोनाइजेबल होते ये समझना है, तो अगर हम लो पीएच में जाएंगे तो कौन आयोनाइज कर जाएगा, NH2 ग्रुप, और अगर हाई पीएच में जाएंगे तो कौन कर जाएगा, COH ग्रुप। तो न्यूट्रल पे दोनों आयोनाइज, जब दोनों आयनिक स्टेट में होंगे तो उसको कहेंगे क्या, ज्यूटर आयोनिक स्टेट। ठीक है, हम इस स्टेट में हैं और उस स्टेट में जाना चाहते हैं तो पीएच बढ़ाते चले जाइए, और उस स्टेट में हैं और इस स्टेट में आना चाहते हैं तो पीएच घटाते चले जाइए। तो अमीनो एसिड को उठा करके एसिड में डाल दीजिए तो किस स्टेट में चला जाएगा, उस स्टेट में चला जाएगा, और अमीनो एसिड को उठा के बेस में डाल दीजिए तो इसमें डाल दीजिए, और अगर न्यूट्रल में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ज्यूटर आयोनिक स्टेट। ठीक है, जरा पढ़ो अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड में क्या क्या लिखा है, लिखा है अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप और क्या एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन, जिसको कहते क्या हो अल्फा, इसी नाते इसको कहोगे क्या अल्फा अमीनो एसिड। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसकी जो चार वैलेंसी हैं वो अलग अलग, एक पर हमको क्या मिलेगा हाइड्रोजन, एक पर कार्बोक्सिल, एक पर अमीनो और एक पर वेरिएबल, वेरिएबल को आर से कहते हैं।
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर, आर क्या है, आर तीन विकल्प यहाँ दिए हैं, या तो एच होगा, या तो सी एच थ्री होगा, या तो सी एच टू ओ एच होगा। ये बहुत प्रकार के होते हैं। प्रोटीन बनाने में कितने प्रकार के लगते हैं, केवल 20 प्रकार के लगते हैं। देखो लिखा है आर ग्रुप क्या हो सकता है, किसमें, किसी प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड में, या तो ये क्या होगा हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या रखोगे ग्लाइसिन, या तो क्या होगा मिथिल ग्रुप, तो नाम रखोगे एलानाइन, होगा क्या हाइड्रोक्सी मिथिल, तो नाम क्या रखोगे सेरीन। ये तीनों उन 20 में से हैं, तो अगर पूछेगा 20 में से कम तीन के नाम तो बता ही दो, तो कौन कौन नाम बताओगे, ग्लाइसिन एलानिन और सेरीन। अभी आखिरी में सब याद हो जाएंगे। फिर देखो लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी हो और चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, अमीनो एसिड कर किस पर डिपेंड करती है, तो अमीनो ग्रुप पर और कार्बोक्सिल ग्रुप पर और आर ग्रुप पर, किस आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किसका एमिनो ग्रुप और किसका कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो एसिड तीन प्रकार के, कौन सा एसिडिक जिसका एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जिसका एग्जाम्पल लाइसिन, न्यूट्रल जिसका एग्जाम्पल वैलिन। सिमिलरली एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, कौन से टायरोसिन फिनाइल एलानाइन और क्या ट्रिप्टोफैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है एनसीईआरटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड की खास बात क्या है, आयोनाइजेबल नेचर किसका और किसका, इसी नाते अगर हम सल्यूशन ले क्या डिफरेंट पीएच, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है चेंज हो जाता, और कैसे चेंज होता वो देखो यहां। अगर हम पीएच बढ़ाते चले जाएं सल्यूशन का, अगर हम पीएच बढ़ाते चले जाएं सल्यूशन का तो उधर से इधर चलेंगे, और अगर पीएच घटाते चले जाएं तो क्या मिलेंगे, इधर से इधर मिलेंगे। एनसीईआरटी में ध्यान से देखें तो नीचे वाले एरो इधर को हैं और ऊपर वाले एरो इधर के हैं, इधर से इधर क्या होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग पीएच, और इधर से इधर डिक्रीजिंग पीएच। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डाले। यहां से लेकर के यहां तक लिपिड के बारे में लिखा है, ठीक है, और अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में लिपिड का आ ही जाता है। यहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और सब हमको याद होनी चाहिए। देखिए लिपिड कौन सी चीज है, पहला सवाल यह है कि लिपिड तीन फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं, या तो ये हमको फैटी एसिड के फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये हमको ग्लिसराल के फॉर्म में मिलेंगे, और या तो ये कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, और कॉम्बिनेशन किसका होगा फैटी एसिड का और किसका ग्लिसरॉल। तो तीन हमारे पास विकल्प हैं, लिपिड हमको फैटी एसिड के फॉर्म में मिलेगी, लिपिड हमको ग्लिसरॉल के फॉर्म में मिलेगी, और लिपिड हमको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन में मिलेगी। हमको एक एक करके पढ़ना है, पहले दो चार बातें फैटी एसिड की पढ़ेंगे, फिर दो बातें ग्लिसरॉल की पढ़ेंगे, और फिर दो चार बातें कॉम्बिनेशन की पढ़ेंगे। सबसे पहले फैटी एसिड की बात करते हैं, ध्यान से सुने।
ऐसा एसिड जो मोटा हो वो फैटी एसिड। फैटी एसिड होता क्या है? तो फैटी एसिड कुछ नहीं होता है, ये एसिड होता है। और जब कोई एसिड होगा तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा सी ओ ओ एच ग्रुप, और इस सी ओ ओ एच ग्रुप के साथ क्या लगा दीजिए? आर। तो फैटी एसिड क्या है? तो कहोगे आर सी ओ ओ एच है। लेकिन ये जो आर है ये क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, आर के नाम पर हमको मिल सकता है सी एच थ्री, आर के नाम पर हमको मिल सकता है सी एच टू, आर के नाम पर मिल सकता है सी टू एच फाइव। ऐसे ही आप बढ़ाते जाओ। तो आर के नाम पर नंबर ऑफ कार्बन या तो कितना होगा? एक, या तो कितना होगा? दो, और या तो बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना होगा? 19। तो मैक्सिमम कार्बन इन आर ग्रुप कितने हो सकते हैं? 19। तो अगर आर ग्रुप में मैक्सिमम 19 हो सकते हैं तो फैटी एसिड में मैक्सिमम कितने होंगे? किसी फैटी एसिड में मैक्सिमम 20 कार्बन मिलेंगे, मैक्सिमम 20 कार्बन मिलेंगे। कैसे? यहां कितने होंगे? 19। तो इसका एक जोड़ लोगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 20। इसका मतलब 20 कार्बन मिलेंगे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन के साथ कितने मिल सकते हैं? 20 कार्बन मैक्सिमम मिल सकते हैं, और चेन में मैक्सिमम 19 मिलेंगे। तो किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड को कहोगे क्या है? तो कहोगे कुछ नहीं, ये सी ओ एच ग्रुप ही है जो किसी आर ग्रुप से जुड़ा है। बस ये है, आर ग्रुप के नाम पर सी एच थ्री हो सकता है, आर ग्रुप के नाम पर सी टू एच फाइव हो सकता है, या आर ग्रुप के नाम पर चेन लंबी करते चले जाइए, और चाहे जितनी लंबी चेन करिए अधिकतम कितने लिख सकते हो? 19 कार्बन। तो नेट कितने हो सकते हैं? 20 कार्बन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है पाल्मिटिक एसिड, एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें होते हैं 16 कार्बन। इसमें कितने हैं? 16 कार्बन। और एक और खास बात लिखी है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन के साथ इसमें कितने कार्बन हैं? 16 कार्बन है। तो जरा बताओ चेन में कितने होंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि हकीकत में ये 15 प्लस क्या है? 1 है। एक किसका? सी ओ एच का, और 15 किसके? चेन के। इसी तरीके से एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, स्टियारिक एसिड, और इसमें पाए जाते हैं 18 कार्बन, और वो भी कैसे? वो भी कैसे? तो आप कहोगे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। इसका मतलब चेन कितने की होगी? चेन कितने की होगी? तो चेन में होंगे 17 प्लस 1। इसी तरीके से एनसीईआरटी में लिखा है अराकीडोनिक एसिड, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में 20 कार्बन है, वो भी कैसे?
इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो चेन में कितने होंगे बेटा, 19 प्लस 1। तो ये बताओ क्या इससे भी बड़ा कोई फैटी एसिड मिल सकता है? इससे बड़ा कोई फैटी एसिड नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 ही हो सकते हैं, इसमें 20 हो गए हैं। एक और खास बात है, किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड को अगर ध्यान से देखेंगे तो फैटी एसिड दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम होता है सेचुरेटेड और एक का नाम होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अंतर जरा समझ लो बेटा क्या है। ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड ना हो तो क्या कहोगे, सेचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड हो तो अनसेचुरेटेड। तो यहां क्या होगा, विदाउट डबल बांड बिटवीन कार्बन, और यहां बताओ क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां तो डबल बांड होगा विद डबल बांड बिटवीन कार्बन, बस ये होगा। कितने डबल बांड होंगे, तो हो सकता है एक डबल बांड हो सकता है एक से ज्यादा। तो डबल बांड कितने होंगे, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है या ज्यादा। हमको याद ये रखना है, हमको याद ये रखना है कि कौन से अमीनो एसिड हैं जो सेचुरेटेड हैं और कौन से अमीनो एसिड हैं जो अनसेचुरेटेड हैं। ये तीन नाम सामने लिखे हैं, इन तीन में से जो ऊपर दो लिखे कौन से, पाल्मेटिक एसिड और स्टियारिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सेचुरेटेड। तो इसके एग्जाम्पल हैं पाल्मेटिक एसिड एंड एंड स्टियारिक एसिड, और जबकि इसके एग्जाम्पल अरेकिडोनिक एसिड। तो फिर से सुन लेते हैं, फैटी एसिड दो कैटेगरी के, एक का नाम सेचुरेटेड और एक का नाम अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कब कहोगे, जब विदाउट डबल बांड होंगे, और एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड और स्टियारिक एसिड, और जब इसमें डबल बांड हो उसको क्या कहोगे, अनसेचुरेटेड, और इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, अरेकिडोनिक एसिड। एक लाइन ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं दी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड और एक का नाम होता है एसेंशियल फैटी एसिड। अंतर समझो, ऐसा कोई भी फैटी एसिड जो हम बना सकते हो, जिसको हम सिंथेसाइज कर सकते हो, उसके लिए हमको फिर फैट खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बना सकते होंगे तो हमारे अंदर बन जाएगा। तो ऐसा फैटी एसिड जिसको हम अपने शरीर में बना लेंगे, उसके लिए फैट खाना नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही को कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो सॉरी फैटी एसिड। तो ये कौन से होंगे, ये वो होंगे जो सिंथेसाइज इनसाइड बॉडी, और एसेंशियल वाले वो होंगे जो ऐसे फैटी एसिड जिनको हम अपने शरीर में बना नहीं सकते हैं, और अगर बना नहीं सकते हो और उनकी आवश्यकता है तो कहां से लाओगे, बाहर से क्या करोगे, फैट खाओगे, फैट पचाओगे तो फैटी एसिड मिलेगा। तो ऐसे फैटी एसिड जिनके लिए हमको फैट खाना पड़ेगा, इसका मतलब वो जरूरी हैं, और इसी नाते उनको कहोगे क्या, एसेंशियल। तो ये वो होंगे जो नॉट
सिंथेसाइज इन क्या बॉडी, तो जब बॉडी में बनेंगे नहीं तो टेक फ्रॉम कहां से, खाने से लेंगे। हमको इसका एग्जाम्पल एक याद रखना है बस, तो इसका एग्जाम्पल ये है अराकीडोनिक एसिड। अराकीडोनिक एसिड भी क्या है, एक प्रकार का एसेंशियल फैटी एसिड है। और एक दो नाम याद रखेंगे जैसे लोन ओलिक एसिड, ये नाम आपको मिलेगा लोन ओलिक एसिड। एक नाम और याद रखेंगे लिनोलिनिक एसिड, तो एसेंशियल फैटी एसिड के तीन नाम हमने यहां आपको लिख दिए हैं, एक अराकीडोनिक एसिड, एक लोन ओलिक एसिड और एक लिनोलिनिक एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड में मोटा मोटा अभी तक इतना ही लिखा हुआ है। फैटी एसिड क्या है, तो कहोगे फैटी एसिड एक आर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ सी ओ एच ग्रुप है, इसमें आर के नाम पर सी एच थ्री, आर के नाम पर सी एच थ्रू सॉरी सी टू एच फाइव, आर के नाम पर कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी लंबी चेन कर लीजिए, लेकिन अंततः कितने कर सकते हो 19, तो फिर फैटी एसिड में अधिकतम कितने हो सकते हैं 20। अब एग्जाम्पल याद रखने, तीन एग्जाम्पल याद रखोगे, एक का नाम पाल्मिटिक एसिड, कितने कार्बन है 16 इंक्लूडिंग सी ओ ओ एच, तो चेन में कितने 15 और एक किसका सी ओ एच, तो 16 हो गए। दूसरा है स्टियारिक एसिड, कितने हैं 18, तो चेन में कितने 17 और एक किसका सी ओ एच, और अराकीडोनिक एसिड में टोटल कितने हैं 20, तो चेन में कितने 19, एक कहाँ होगा सी ओ एच ग्रुप। फैटी एसिड दो कैटेगरी के, जिसमें डबल बॉन्ड ना हो वो सेचुरेटेड, और जिसमें डबल बॉन्ड हो वो अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड हो तो अनसेचुरेटेड, उसका एग्जाम्पल अराकीडोनिक एसिड, और डबल बॉन्ड ना हो वो अनसेचुरेटेड सॉरी सेचुरेटेड, और उसका एग्जाम्पल दो हैं। आपके पास तीन ही एग्जाम्पल तो हैं, तीन में से ऊपर वाले दो सेचुरेटेड हैं और नीचे वाला एक अंश। ये स्पेशल बात है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो फैटी एसिड हम शरीर में बना ले वो, और जो ना बना पाए वो एसेंशियल। पढ़ो जरा फैटी एसिड थोड़ा। लिपिड के नाम पर हमको ग्लिसराल भी मिल सकता है, और ग्लिसराल क्या है तो जरा देखो, ग्लिसराल क्या है, तो ग्लिसराल में ये है एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और कार्बन की वैलेंसी फिट कर देते हैं। देखो यहाँ H है, 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 और यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, तो ग्लिसराल वास्तव में क्या है, तो ग्लिसराल वास्तव में ट्राईहाइड्रोक्सी क्या है,
ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसराल क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है और ये भी सिंपल लिपिड है, ये भी लिपिड है, ठीक है। लेकिन फिर देखो क्या करते हैं, ग्लिसराल का जो एक OH ग्रुप है ये वाला, इसको हटा दीजिए। तो देखो हटाते हैं, कार्बन अभी वही रखते हैं, यहाँ अभी भी H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और ये अभी भी OH है, ये अभी भी OH है। ये वाला OH हटा देते हैं और इसकी जगह लगा देते हैं फैटी एसिड। क्या लगा देते हैं? फैटी एसिड। जैसे ही ग्लिसराल में एक फैटी एसिड लगाते हो वैसे ही इसका नाम, मोनोग्लिसराइड फैट हो जाता है। जबकि ये क्या है? तो ग्लिसराल को अभी किस में कन्वर्ट कर दिया? मोनोग्लिसराइड फैट में। कैसे किया? कैसे किया? तो कैसे किया है? फैटी एसिड को किस दिया है? ग्लिसराल। इस प्रोसेस को कहते हैं फैटी एसिड स्ट्रीफाइड विद क्या? ग्लिसराल। क्योंकि ये जो बांड बना है बेटा, ये इस्टर बांड है। तो एक लाइन, ग्लिसराल मोनोग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? तो क्या कहोगे? फैटी एसिड स्टरीफाइड विद ग्लिसराल, ठीक है। कैसे? OH को रिप्लेस कर दीजिए और क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड। तब तक देखो एक काम और कर लेते हैं, ये वाला OH भी हटा देते हैं, हटा देते हैं। देखो कार्बन अभी वही रखेंगे, ये अभी भी एच, ये अभी भी एच, ये अभी भी एच, ये अभी भी एच, ये अभी भी एच। इस जगह पहले से ही क्या लगा था और यहाँ नया क्या जोड़ दिए? फैटी एसिड। और यहाँ अभी भी क्या है? OH। अभी कितने फैटी एसिड हो गए? दो। इसी का नाम तो मोनोग्लिसराइड बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया? डाई ग्लिसराइड। फिर इस वाले OH को भी हटा देते हैं, हटा लेते हैं। कार्बन अभी वही रखेंगे, वैलेंसी अभी भी ज्यादातर वही रखेंगे। बस काम क्या किया, यहां पहले से ही क्या लगा था, यहां पहले से ही क्या लगा था, अब इसकी जगह भी क्या लगा दीजिए? इसी का नाम ट्राइग्लिसराइड फैट है। तो जरा देखो, हमको बताओ ट्राइग्लिसराइड फैट में कितने ग्लिसराल, कितने फैटी एसिड? नीट में आया हुआ सवाल है, वैसे पढ़ने में लग रहा है कि तीन ग्लिसराल हैं। ट्राई का मतलब तीन और ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसराल, लगता है कि तीन ग्लिसराल होंगे और एक फैटी एसिड, जबकि है नहीं है क्या? एक ग्लिसराल और तीन फैटी एसिड। तो ये हमको याद रखना है, ये पूछा गया सवाल है। तीन क्या है और एक क्या है? फिर देखो क्या हुआ, ये जो फैटी एसिड है इसको हटा दीजिए, इस फैटी एसिड को हटा दीजिए। हटाते हैं, देखो कार्बन अभी वही रखेंगे, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां, सब वही हाइड्रोजन। यहां अभी भी क्या लगा है? यहां अभी भी क्या लगा है? यहां देखो क्या चेंज हुआ है, यहां चेंज ये हो गया, यहां चेंज ये हो गया कि इस फैटी एसिड को हटा करके यहां लगा दीजिए फास्फेट। क्या लगा दिया? फास्फेट। तो ट्राइग्लिसराइड फैट में आपने एक फैटी एसिड हटाया और यह क्या लगाया? फास्फेट। जैसे ही फास्फेट लगाओगे वैसे ही इसका नाम हो जाएगा क्या? फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड क्या है? तो फास्फोलिपिड इज ए ट्राइग्लिसराइड फैट इन विच
फैटी एसिड रिप्लेस बाय किसके द्वारा? फास्फेट। इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? फास्फोलिपिड। इसी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेसिथिन। तो अगर आपसे पूछे लेसिथिन क्या है तो कहोगे फास्फोलिपिड। कहां पाई जाती है? लेसिथिन हो चाहे फास्फोलिपिड हो, कहां पाई जाती है? बता चुके हैं, ये कहां मिलती है? सेल मेम्ब्रेन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्या, ग्लिसराल और फैटी एसिड, ग्लिसराल और फैटी एसिड, ग्लिसराल और फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड फैट। पहले सिर्फ ग्लिसराल भी क्या है, एक लिपिड है, लेकिन जब मोनोग्लिसराइड है तो ये भी लिपिड है, जब डाइग्लिसराइड है तब भी लिपिड है, जब ये ट्राइग्लिसराइड है तब भी लिपिड है, और जब ये फास्फोलिपिड है तब भी लिपिड है। लेसिथिन उसी का एग्जाम्पल है, और जो कि कहाँ पाया जाता है, आंसर देंगे सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन स्पेशल बचा है, न्यूरल टिश्यू में, न्यूरल टिश्यू में, बेटा बातचीत ना करें, न्यूरल टिश्यू में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के क्या पाए जाते हैं? लिपिड। एनसीईआरटी में लिखा है कि न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये एक स्पेशल बात हो गई, सब एनसीईआरटी में लिखा है, सुने बस, केवल लिखे कुछ नहीं। दो खास बातें और हैं, जो लिपिड होती है ये दो प्रकार की होती है, सॉलिड और लिक्विड। जो सॉलिड होती है इसी को कहते हैं फैट, और जो लिक्विड होती है इसी को कहते हैं आयल। तो सवाल है कि ये फैट के फॉर्म में पाई जाएगी या आयल के फॉर्म में पाई जाएगी, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, लो टेम्परेचर है, तो जाड़े में वो पिघला रहेगा कि जमा रहेगा? आराम से बताएं, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है मतलब लो टेम्परेचर पर पिघल जाता है, तो जाड़े में पिघला रहेगा कि फैट बना रहेगा? पिघला रहेगा। और अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जाड़े में क्या कर जाएगी? जम जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी लिपिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है वो जाड़े में जमे रहते हैं और उनको कहते क्या हैं? फैट। और ऐसे लिपिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो जाड़े में भी पिघले रहते हैं और उनको क्या कहते हैं? आयल। तो फैट की खास बात क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसी माते फाउंड एज फैट इन, क्या कहोगे? विंटर। जाड़े में फैट के फॉर्म में कौन मिलेंगे? जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। और ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी नाते पाए जाएंगे फाउंड एज आयल इन किसमें? विंटर। और इसकी का एग्जाम्पल दिया है जिंजली आयल। तो जिंजली आयल, ध्यान से सुनिएगा, जिंजली आयल किस फॉर्म में रहेगी? आयल के फॉर्म में रहेगी। कब? विंटर में। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है। क्यों होगा ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में? बिकॉज ये नहीं दिया है, आयल का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है ये नहीं दिया है। तो ये हम आपको बताएंगे, हैव मोर अनसेचुरेटेड
फैटी एसिड। ऐसी लिपिड, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी लिपिड जिसमें क्या पाए जाएं, ज्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाएंगे, वही लिपिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। और उसका मेल्टिंग पॉइंट जब लो होगा तो वो आयल के फॉर्म में पाई जाएगी, कहाँ, विंटर में। अब देखिए, घी है, जाड़े में क्या होता है, जम जाता है। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, तो इसी का एग्जाम्पल आप लिखेंगे, इसी का एग्जाम्पल लिखेंगे कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, या इसी का एग्जाम्पल लिखेंगे वेजिटेबल ऑयल, डालडा, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल और कोकोनट ऑयल किस में आएंगे, वेजिटेबल ऑयल कोकोनट ऑयल जाड़े में किस फॉर्म में रहते हैं, फैट के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि जिंजली ऑयल चाहे जितना जाड़ा हो जाए ये किस फॉर्म में रहेगा, आयल के फॉर्म में रहेगा। अब पूरा लिपिड पढ़ डालिए फिर हम पढ़ाते हैं।
हाँ, एक पॉइंट ये छूट गया था, लिपिड जनरली कैसे होते हैं, या तो ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, फैटी एसिड। और एक फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होता है, आर, आर के नाम पर, या आर के नाम पर C2H5, या हायर नंबर। बस हायर नंबर कितने हो सकते हैं, 19। एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में कितने हैं, 16। क्या लिखा है, अगर इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कर दिया जाए तो गलत हो जाएंगे ना। इंक्लूडिंग है मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन ले करके कितने हैं, 16। तो अगर एक्सक्लूडिंग करें तो फिर कितने लिखे, तो 15 लिखे। और अरैकिडोनिक में कितने हैं, 20। फिर क्या लिखा है, और एक्सक्लूडिंग करें तो 19 लिखना चाहिए। फैटी एसिड कैसे होंगे, मतलब होंगे इसमें एक या ज्यादा क्या, डबल बॉन्ड। ग्लिसराल क्या है, सिंपल लिपिड, जो कि वास्तव में क्या है, बहुत सारे ऐसे लिपिड हैं जिसमें ग्लिसराल भी है और फैटी एसिड भी है। फैटी एसिड फाउंड क्या लिखा है, स्टरीफाइड विद ग्लिसराल। इसको कहते क्या है, मोनो या डाई या ट्राई। ये फैट के फॉर्म में होंगे या तो किस आधार पर, किस आधार पर, देखो लिखा है आयल हैव, जैसे इसी नाते रिमेन एज आयल इन विंटर, वी कैन आइडेंटिटी ए फैट फ्रॉम मार्केट। मार्केट से फैट को देख सकते हैं, तो वेजिटेबल आयल हमको किस फॉर्म में मिलेगी, जमा हुआ मिलता है तो वो फैट है। कुछ लिपिड हैव क्या, या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, इनको कहोगे क्या, ये कहाँ पाए जाएंगे। इसी का एग्जाम्पल कुछ टिश्यू जैसे में लिपिड पाया जाएगा क्या, चलिए हेडिंग डालिए नाइट्रोजिनस बेस। यहां से यहां तक नाइट्रोजिनस बेस है, देखो जरा। पहला सवाल ये, बेटा बातचीत ना करो भाई, ऐसे आवाज बहुत कम है। पहला सवाल ये है कि नाइट्रोजनस बेस क्या है, तो आप आंसर देखो क्या दोगे, कहोगे हेटरोसाइक्लिक। हेटरोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम हेट्रोसाइक्लिक कब कहते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक तब कहते हैं जब उसमें कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल पाई जाए। इधर देखो, जैसे ऐसे ऐसे लिखे, कार्बन 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 और कार्बन, ये क्या है, ये तो होमोसाइक्लिक है, लेकिन इस कार्बन की जगह क्या लिख दें, नाइट्रोजन, और इस कार्बन की जगह क्या लिख दें, नाइट्रोजन, तो फिर क्या हो जाएगी। तो जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल पाई जाए उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा देखें, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम है प्यूरीन और एक का नाम है पिरिमिडीन। आपको याद रखना पड़ेगा क्या, ये जो प्यूरीन है
इसमें पाई जाती है दो हेटरो साइक्लिक रिंग, जो पिरिमिडीन है इसमें पाई जाती है एक हेटरो साइक्लिक रिंग। देखो जरा, ये देखो लिखा है प्यूरीन और ये देखो लिखा है क्या पिरिमिडीन। यहां कार्बन होगा, फिर ये देखो यहां नाइट्रोजन, फिर यहां क्या कार्बन, फिर क्या नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। कितनी रिंग दिख रही हैं? एक रिंग ये और एक रिंग ये, कितनी हो गई? दो हेट्रोसाइक्लिक। और यहां देखो, यहां क्या होगा? कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। हेट्रो है कि होमो? कितनी रिंग है? तो पिरिमिडीन में कितनी रिंग? एक। और प्यूरीन में कितनी रिंग? दो। अब प्यूरीन में ये एडेनिन लिखा हुआ है और प्यूरीन में पिरिमिडीन में ये यूरेसिल। तो फिर देखते हैं, जो प्यूरीन है ये दो कैटेगरी की, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन है ये तीन कैटेगरी की, एक का नाम और एक का नाम यूरेसिल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी केवल बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या इसमें से एडनीन ग्वानीन और साइटोसिन पाया जाता है प्रेजेंट इन बोथ क्या डीएनए एंड आरएनए? ये पाया जाता है ओनली इन, और ये पाया जाता है ओनली इन आरएनए, इसमें कोई शक नहीं। तो कौन सिर्फ आरएनए में है, कौन सिर्फ डीएनए में है, और कौन डीएनए और आरएनए में है, ये हमको याद होना चाहिए। एक और बात देखो, नाइट्रोजिनस बेस कहां पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? तो न्यूक्लिक एसिड तो दो मिलेंगे, या तो क्या कहोगे डीएनए और या तो क्या कहोगे आरएनए। बस कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसमें होगा ये आपसे पूछेगा। तो जरा बताओ डीएनए में कौन कौन से होंगे, बताओ बताओ। तो डीएनए में होगा एडनीन ग्वानीन साइटोसिन साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में जरा बताओ, एडनीन ग्वानीन साइटोसिन और यूरेसिल। तो कौन डीएनए में होगा कौन आरएनए में होगा वो हमको याद ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कैसे पाया जाएगा ये समझना है। तो देखो होता क्या है कि अगर हम नाइट्रोजिनस बेस के साथ जोड़ दें सुगर, क्या जोड़ दें सुगर, तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और फिर देखो न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ दें फास्फेट तो बन जाता है क्या न्यूक्लियोटाइड। फिर देखो अगर न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो बताओ क्या बनेगा? तो डाई न्यूक्लियोटाइड कहोगे, एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो
तो क्या कहोगे? ट्राई, ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड क्या करते जाओ, जोड़ते चले जाओ, तो क्या बनेगा? बनेगा पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड को कहते क्या हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, आराम से बताइएगा न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि न्यूक्लियोसाइड होते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? सब होते हैं, हैं? न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोसाइड कि नाइट्रोजिनस बेस? ऑप्शन अलग अलग हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजिनस बेस ओनली, न्यूक्लियोसाइड ओनली और न्यूक्लियोटाइड ओनली। अरे तो भैया इसमें न्यूक्लियोटाइड हैं। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड कह दिए तो अपने आप क्या आ गया, न्यूक्लियोसाइड आ गया, और जब हम न्यूक्लियोसाइड कह दिए तो नाइट्रोजन बेस आ गया। तो आराम से बताएं, न्यूक्लिक एसिड हैव ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड ओनली, न्यूक्लियोटाइड ओनली, नाइट्रोजनस बेस ओनली, तो क्या बताओगे? तो बताओगे न्यूक्लियोटाइड ओनली। क्या बताओगे? न्यूक्लियोटाइड ओनली। पढ़ो एनसीईआरटी, रुको नहीं पढ़ो नहीं, 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट और रुको। अभी मैंने बताया कि जरा बताओ ये क्या है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है कि नाइट्रोजनस बेस है? नाइट्रोजनस बेस। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। इन सब में क्या जोड़ देना है, इन सब में जोड़ दीजिए सुगर। क्या जोड़ दीजिए? सुगर। तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। बस नाम बताना पड़ेगा आपको, इससे बनेगा एडिनोसिन, इससे इससे साइटोसिन, पहले से ही साइटोसिन सीन कर दें, 2 बार सीन कर दें, तो इसका नाम होगा साइटिडीन, इसका नाम थाइमिडीन और इसका नाम यूरिडीन। ये सब क्या थे बेटा? ये सब नाइट्रोजिनस, और ये सब क्या है, ये सब क्या है? फिर देखो इन सब में जोड़ दिया जाए क्या, फास्फेट, तब बताओ क्या होगा, तब बनेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। देखो कौन से बनेंगे, तब बनेंगे एडिनाइलिक एसिड और साइटी डाइलिक एसिड और ये सब क्या हैं, ये सब के सब हैं
न्यूक्लियोटाइड या ये सब के सब हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। तो देखिए हुआ क्या है, देखो नाइट्रोजनस बेस किसमें कन्वर्ट कर गया, क्या जोड़ के, और न्यूक्लियोसाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, क्या जोड़ के, कैसे जुड़ा है स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक, ये मान लेते हैं कि एक पेंटोज सुगर है। देखिएगा ध्यान से, ये एक नंबर कार्बन है यहां लगा है OH, ये दो नंबर कार्बन है यहां लगा है OH, ये तीन नंबर कार्बन यहां OH, ये पांच नंबर कार्बन और यहां लगा OH। नंबरिंग कर लेते हैं, लिखिएगा ने भी, ये एक नंबर कार्बन, ये दो तीन चार और पांच, ये वो पेंटोज सुगर है जिससे RNA बनना है, क्योंकि दो नंबर कार्बन पर अभी OH लगा है। इसको कहते हैं इसे कहते हैं राइबोज सुगर। क्या कहते हैं, राइबोज सुगर। अब फिर देखो हुआ क्या है, इस सुगर में नाइट्रोजनस बेस जोड़ो या बेस में सुगर जोड़ो, बात तो एक ही है। तो इस, अगर मान लेते हैं इस सुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ दिया जाए, तो जोड़ लेते हैं, तो होता यह है कि जो ये एक नंबर का OH है इसको हटा देते हैं, एक नंबर का OH हटा देते हैं और इसी जगह जोड़ देते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस। कैसे जोड़ते हैं वो देखिए, तो अभी भी ये पेंटोज सुगर है, और अभी भी देखो कहां कहां क्या क्या लगा है, अभी पांच नंबर कार्बन पे OH है, अभी तीन नंबर कार्बन पर OH है, अभी दो नंबर कार्बन पर OH है, लेकिन एक नंबर कार्बन का OH हट गया है और इसी जगह जुड़ जाता है नाइट्रोजिनस बेस। क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अभी देखो ये जो पांच नंबर का OH है ये खाली है, इस पांच नंबर को OH हटा दीजिए और यहां जोड़ दीजिए फास्फेट, तो फिर देखो क्या होगा, अभी भी ये पेंटोज सुगर है, और देखो क्या क्या चेंज आया है, चेंज ये आया है कि एक नंबर कार्बन पर आपने क्या जोड़ दिया है और पांच नंबर कार्बन पर क्या जोड़ दिया है, फास्फेट। अभी भी पुरानी स्थिति बहाल है, दो नंबर पर OH और तीन नंबर पर OH, इसी का नाम क्या है, क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड। तो पहले था क्या, सुगर, सुगर को किसमें कन्वर्ट किया, क्या जोड़ के, और न्यूक्लियोसाइड को किसमें कन्वर्ट किए, क्या जोड़ के, फास्फेट। अब जब फास्फेट जोड़ लिए, नाइट्रोजनस बेस जोड़ लिए, तो जो बनेगा वो पांच पांच नाम लिखे हैं, जैसे कौन कौन से पांच पांच नाम लिखे हैं, तो भाई अगर लिखा है एडिनोसिन, इसका मतलब क्या है, आपने क्या जोड़ा, एडिनिन, और फिर आखिरी में लिखा है एडिनाइलिक एसिड, इसका मतलब उसी में आपने फास्फेट जोड़ दिया। तो ये पांच नाम किसके हैं, और ये पांच नाम किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो कोई भी चार नाम दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन न्यूट्रोजनस बेस है या कौन इसमें न्यूक्लियोसाइड है और कौन इसमें न्यूक्लियोटाइड है, तो आसानी से बताओगे एडिनिन, गुआमिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। लेकिन क्या एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थायमिडीन और यूरिडीन क्या है, तो आंसर देंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड हैं।
और एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड क्या है? तो आंसर क्या देंगे? न्यूक्लिक एसिड। पढ़ो। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, लेकिन उसमें क्या पाई जाती है और इनको कहते क्या हैं? नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। व्हेन, जब अटैच हो जाए किससे? शुगर से, तो इनका नाम। और अगर फास्फेट जोड़ दिया जाए, हाँ एस्टरीफाइड लिखा, जरा बांड देख लेते हैं। जरा बांड देखो बेटा, ये जो बांड है ये ईस्टर बांड है। तो फास्फेट किस बांड से जुड़ा है? ईस्टर, इसी नाते कहते हैं फास्फेट एस्टरीफाइड विद न्यूक्लियोसाइड। और ये जो बांड है ये ग्लाइकोसिडिक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है किस बांड से? ग्लाइकोसिडिक, लेकिन इस्टर के द्वारा कौन से जुड़ता है? फास्फेट। तो एनसीईआरटी में से लिखा है कि फास्फेट एस्टरीफाइड विद किससे? न्यूक्लियोसाइड। क्या लिखा है? इफ फास्फेट क्या हो? एस्टरीफाइड हो जाए किससे? शुगर से, तो क्या कह दोगे? न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड हैं, लेकिन एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जैसे और आरएनए, इसमें क्या है? क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड ओनली लिखा है कि न्यूक्लियोसाइड ओनली कि नाइट्रोजनस बेस ओनली? डीएनए और आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में जो ये पेज बना है डायग्राम का, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए अमीनो एसिड की सूचना यहाँ दी हुई है। ये क्या है? ग्लाइसिन। ये क्या है? एलानिन। ये क्या है? सेरीन। यहाँ जितना कुछ दिया है और ये जो दिया हुआ ये लिपिड का दिया है। देखो ये किसका लिखा है?
एनसीईआरटी में डायग्राम में नाम दिया हुआ है, आपको याद रखना है, ये पाल्मेटिक एसिड का फार्मूला पूछ सकता है आपसे। ये क्या दिया है? ग्लिसराल। और ये देखो क्या है, ये ग्लिसराल है बेटा, ये ग्लिसराल है, ये एक फैटी एसिड जुड़ा है, ये दूसरा फैटी एसिड, ये तीसरा फैटी एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। और यहाँ देखो, ये अभी भी ग्लिसराल ही है, ये देखो, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और यहाँ क्या जोड़ दिए हो? फास्फेट, तो नाम क्या? या क्या? लेसिथिन। और ये किसका दिया है? कोलेस्ट्रॉल का दिया है। फिर देखो डायग्राम काम का है, यहाँ दिया है क्या? प्यूरीन, जो कि क्या है? एडनिन। यहाँ दिया है पिरिमिडीन, जिसमें कौन सा है? यूरेसिल। फिर ये देखो, एडनिन अगर यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो इसका नाम, और फास्फेट यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो नाम, इधर आगे दिखाए नहीं, यहाँ यूरेसिल जोड़ दोगे तो, और यहाँ फास्फेट जोड़ते तो यूरिडाइलिक एसिड। एनसीईआरटी में ये दिया है, और इसके बारे में एक भी लाइन नहीं लिखी है, तो आप हेडिंग डालिए मोनोसेकेराइड सुगर, अभी लिखना बाद में, हम डालते हैं हेडिंग, आप देखो केवल, डालना नहीं है। कौन सा सुगर? मोनोसेकेराइड सुगर। एनसीईआरटी में मोनोसेकेराइड सुगर के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन दो लाइनें पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड सुगर क्या होता है? तो आंसर देंगे, ये मोनोमर होते हैं। किसके? पॉली सेकेराइड। ये मोनोमर होते हैं किसके? पॉली सेकेराइड के। एक क्वेश्चन, ये जो मोनोसेकेराइड सुगर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेंटोज और एक होते हैं हेक्सोज। पेंटोज का मतलब होता है जिसमें पाए जाएं 5 कार्बन, और हेक्सोज का मतलब होता है जिसमें पाए जाएं 6 कार्बन। डायग्राम से समझ में आएगा, देखो कितने कार्बन, तो दिख रहा है एक कार्बन ये यहां OH, एक कार्बन ये यहां OH, एक कार्बन ये यहां OH, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और यहां OH। अगर नंबरिंग कर दें तो नंबरिंग डाल लेते, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और ये 5। कितने कार्बन? 5। तो क्या हो? पेंटोज। लेकिन पेंटोज दो प्रकार की होती है, देखो कैसे, ये भी तो बेटा पेंटोज है, देखो इस पेंटोज और इस पेंटोज में अंतर बताओ हमको, इसमें इसमें क्या अंतर है? इसमें 2 नंबर कार्बन पर OH और उसमें, यही अंतर है। इसी नाते इसका नाम है राइबोज और इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। अब 6 कार्बन वाला जरा देखते हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। वाह भाई वाह, कौन सी आंखें हैं तुम्हारे पास, उसमें 6 दिखाई पड़ गए हैं, है? ये कौन सा है? 5 कार्बन, तो 6ठा कार्बन लो, आप सही है, 6 कार्बन हो गए। OH जोड़ो, 7 हो गए, कहाँ भैया 7 हो गए, देखते हैं, गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7 कहाँ है? अरे इधर कहाँ, ये एंड अभी देखो भरे दे रहे हैं, आप खुश हो? अब हो गए 5, 5 क्या गड़बड़ कर रहे हो,
छह कार्बन में से पांच कार्बन कहाँ है, रिंग में है, और यहाँ पांच कार्बन में से चार कार्बन रिंग में है। ये कौन सा ग्रुप है? ये है? ये है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? और ये कौन सा ग्रुप है बेटा? जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा वही पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सुगर में कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, तो आंसर क्या दोगे? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल तो दो प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है, कौन सा होता है यहां है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो हेक्सोज सुगर होती है ये दो प्रकार की होती है। जो हेक्सोज सुगर होती है ये दो प्रकार की होती है, एक का नाम है एल्डोज और एक का नाम है कीटोज। एल्डोज सुगर और कीटोज सुगर, एग्जाम्पल बताओगे? केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा। हेक्सोज सुगर का, एल्डोज सुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और कीटोज सुगर का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो हेक्सोज दो प्रकार की होती है, एल्डोज और कीटोज, एल्डोज में और कीटोज में, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या हैं? दोनों हैं कि ये क्या है? दोनों ये दोनों क्या है बेटा? तो देखिए कम से कम तीन नाम तो याद ही रखोगे। एक कौन सा? हेक्सोज सुगर छह कार्बन, पेंटोज सुगर पांच कार्बन। पेंटोज सुगर के दो एग्जाम्पल है, एक का नाम राइबोज एक का नाम डीऑक्सी राइबोज। अंतर देखो, इसमें दो नंबर कार्बन पर OH और उसमें दो नंबर कार्बन पर OH नहीं है। ये वाला जो राइबोज सुगर है ये किसमें पाई जाती है? RNA में, और डीऑक्सीराइबोज किसमें पाई जाती है? DNA। तो अगर न्यूक्लिक एसिड बनाना है, अगर न्यूक्लिक एसिड बनाना है और नाइट्रोजनस बेस के साथ सुगर जोड़ना है तो कौन सी सुगर जोड़ोगे? तो अगर RNA बनाना है तो ये वाली सुगर जोड़ेंगे, और अगर DNA बनाना है तो ये वाली सुगर जोड़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन कम से कम इतना तो आखिरी जो लाइन हमको याद रखना है, सुगर के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं तो जरा बताओ। तो एक का नाम कार्बोनिल और एक का नाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बस आज इतना ही पढ़ते हैं।